जब बात आती है हमारे शरीर में लक्षणों को पहचानने की, तब हम उसमें काफी ज्यादा देरी करना स्टार्ट कर देते हैं। हमें ऐसा लगता है कि ये लक्षण ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उस लक्षण के पीछे कोई बीमारी छुपी रहती है और हम उस चीज को ऐसे ही इग्नोर करते रहते हैं। आप सभी को जैसा पता है कि अगर आपने किसी भी बीमारी का लक्षण शुरुआत में ही पहचान लिया तो आप उस बीमारी से बच सकते हैं, ट्रीटमेंट करना काफी ज्यादा ईजी हो जाता है, लेकिन हम फिर भी इस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं। इसी के साथ आज इस वीडियो में मैं आपको टीबी की बीमारी के लक्षण बताऊंगा। इन लक्षणों को सुन करके आपको यही लगा होगा कि टीबी से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है वो हमें फेफड़ों से संबंधित ही दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि टीबी की जो बीमारी है वो आपके शरीर में कहीं पर भी हो सकती है। आपको ब्रेन टीबी हो सकता है, दिमाग की टीबी हो सकती है, आपको पेट में टीबी हो सकता है, आपको हड्डियों में टीबी हो सकता है। टीबी की बीमारी आपके शरीर में कहीं पर भी हो सकती है, इसलिए अगर आपके शरीर में कहीं पर भी कोई भी लक्षण दिखाई दे रहा है तो आज इस वीडियो को आपको कंप्लीट देखना चाहिए, समझना चाहिए कि आखिर आपके शरीर में वो लक्षण क्यों दिखाई दे रहा है। तो आइए जानते हैं टीबी की बीमारी के लक्षणों के बारे में। इसमें जो सबसे पहला आपको लक्षण दिखाई देता है वो है कि आपको खांसी, और ये लक्षण आप सभी जानते होंगे। तो यहाँ पर सेम, अगर आपको 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो इस चीज को इग्नोर ना करें, आपको डॉक्टर से जरूर कॉन्टेक्ट करना चाहिए कि आखिर आपकी खांसी ठीक क्यों नहीं हो रही है। यहाँ पर जो दूसरा आपको लक्षण दिखाई देता है वो है कि बुखार, अगर आपको कुछ दिनों से बुखार है वो बुखार ठीक नहीं हो रहा है, उसके साथ साथ आपको रात में पसीना भी आता है, आपको काफी ज्यादा थकावट महसूस हो रही है, तो इस चीज को भी इग्नोर ना करें। आप इस चीज को पता लगाए कि आखिर आपको कुछ समय से बुखार क्यों हो रहा है, क्योंकि इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है, तभी आपको ऐसी प्रॉब्लम जो है वो हो रही है। यहाँ पर जो तीसरा आपको लक्षण दिखाई देता है वो है कि आपको चेस्ट में पेन हो सकता है, आपको छाती में दर्द हो सकता है, तो इस चीज को भी आपको नोटिस करना है कि आपके छाती में दर्द क्यों हो रहा है। जब आप चलेंगे तब आपको छाती में दर्द हो सकता है, और जब आप लेटेंगे तब भी आपको छाती में दर्द महसूस हो सकता है, तो इस चीज को भी आपको इग्नोर नहीं करना है। यहाँ पर जो फोर्थ आपको लक्षण दिखाई देता है वो है कि आपको सांस फूलने की जैसी समस्या रह सकती है। जब आप खांसते वक्त तो आपको पेन होगा ही चेस्ट में, इसके साथ साथ आपको उस समय सांस भी काफी ज्यादा फूलने लगेगा, आपको काफी ज्यादा दिक्कत होगी, और उस समय आपको पेन भी रह सकता है, तो इस चीज को भी आपको नोटिस करना है। इसमें जो फिफ्थ आपको लक्षण दिखाई देता है कि आपको भूख कम लगेगी, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा, आपका जो वजन है वो भी धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा लक्षण भी आपको अगर नोटिस हो रहा है तो इस चीज को भी इग्नोर ना करें। ये जो भी मैंने आपको लक्षण बताए ये मैंने एक नॉर्मल लक्षण बताया जो टीबी की बीमारी में शुरुआत में आपको दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि ज्यादातर टीबी की जो बीमारी है वो फेफड़ों से संबंधित ही होती है। अगर आपको टीबी ब्रेन में होता है, दिमाग में होता है, तब आपको लक्षण कुछ और दिखाई देंगे दिमाग से रिलेटेड, क्योंकि जब आपको दिमाग में टीबी होगा तो वहां पर आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको हल्का सर में दर्द रह सकता है कुछ दिनों से, इसके साथ साथ आपको काफी ज्यादा डिस्टर्बेंस होगी, आप काफी ज्यादा इरिटेट होंगे, आपको कोई भी काम करने में मन नहीं लगेगा, और इसके साथ साथ आपको बुखार भी रह सकता है। तो अगर आपको कुछ ऐसे लक्षण दिखाई दे रहे हैं शुरुआत में, तो इन लक्षणों को इग्नोर ना करें, आप डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करिए कि ऐसा आखिर क्यों हो रहा है। अगर आपको टीबी पेट में है तो पेट से संबंधित आपको लक्षण दिखाई देंगे, पेट से संबंधित अगर आपको भूख नहीं लगेगी, आपको जैसे ही आप खाना खाएंगे तो आपको वॉमिटिंग जैसा मन करेगा, आपको पेट में दर्द महसूस होगा, तो ऐसे कुछ लक्षण आपको नोटिस हो सकते हैं। इसमें अगर आपको स्पाइनल टीबी है, यानी कि रीढ़ की हड्डी में टीबी हो, तो वहां पर आपको अलग लक्षण दिखाई देंगे। इसमें आपको रीढ़ की हड्डी में काफी ज्यादा नीचे की साइड में काफी ज्यादा पेन होगा, आपको उठने बैठने में काफी ज्यादा तकलीफ होगी, जब आप चलेंगे तब भी आपको काफी ज्यादा पेन होगा, और इसके साथ साथ आपको बुखार भी रहेगा, तो रीढ़ की हड्डी का जो टीबी होता है वो भी काफी दर्दनाक होता है। तो इन लक्षणों को अगर आपको देखे कि अगर आपको कुछ दिनों से कमर में काफी ज्यादा पेन हो रहा है, तो इस चीज को इग्नोर ना करें, आप एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कॉन्टैक्ट करें। इसी के साथ आपके शरीर में अगर किसी भी हिस्से में टीबी होता है तो उसके संबंधित आपको लक्षण दिखाई देंगे। तो ओवरऑल मोटिव ये है कि आपके शरीर में अगर किसी भी हिस्से में कोई भी लक्षण दिखाई देता है तो उस लक्षण को आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना चाहिए, उस लक्षणों को लेकर के आपको एक बार अपने डॉक्टर से जरूर कॉन्टैक्ट करना चाहिए, आपको समझना है कि ये लक्षण आखिर आपके शरीर में क्यों दिखाई दे रहा है। और अगर आपको ये सारे लक्षण दिखाई दे रहे हैं जो भी मैंने आपको बताया, तो अब आपको डरने घबराने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जो अगर आपको बाई चांस टीबी भी होता है तो टीबी का 100% प्रॉपर इलाज है, आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कोई भी अनदर, मान लीजिए आपको टीबी की बीमारी नहीं होती या फिर आपको अनदर कोई और बीमारी होती है, तो आपको घबराने की डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज के डेट में हर एक बीमारी का प्रॉपर इलाज है, प्रॉपर ट्रीटमेंट है। बस आपको जरूरत यह है कि आप टाइम से उन लक्षणों को पहचान करके आप ट्रीटमेंट स्टार्ट करें। इसलिए अगर आपको कोई भी लक्षण दिखाई दे आप जरूर डॉक्टर से कॉन्टैक्ट करें। सो उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद।